चला गए हैं नहाने तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। आई हेट दिस मुंडा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मेरे नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। एंड आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ, अभी 7:30 हो रहा है। मैं फुल रेडी हूँ नहा के। आज मेहमान आ रहे हैं घर में, कौन वो आएंगे मैं तब आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए चाय वाय चढ़ाया जाए, पूजा वूजा किया जाए। एंड ये नहा के आके डोंट फॉरगेट रोज वाटर स्प्रे कीजिए फेस में, उसके बाद आप कुछ भी अप्लाई कीजिए। मैंने फटाक से चाय चढ़ा ली है, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। मैंने जैसे ही मतलब फ़ोन रखा एंड थोड़ा क्रीम व्रीम मतलब सिंदूर विंदूर लगाने के लिए, उतने में हॉर्न बजा बाहर से, मैं फटाक से फिर मैंने दरवाज़ा खोला। एंड मैं आज आप लोगों को सारा दिन घूमते में ही मिलने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जीटा है। ये देखिए उनका लगेज जस्ट आके यहाँ रखे एंड वो बाहर बैठे हैं। कैसे थोड़ा सा शूट किया देखा आप लोगों ने, उनको ठंड लग रही है बहुत। तो चाय फटाफट बन जाए फिर मैं देती हूँ इसको। देखिए नाश्ता लेके सीधा टीवी के सामने, ये नहीं कि यहाँ बैठ के खाए। आज मैंने बनाया है मेथी चिकन। ये रही मेथी, ये रहा चिकन ना, मेथी चिकन। कैसी लगी रेसिपी मेथी चिकन की? तो मेरा ब्रेकफास्ट भी बन गया है, अंडा ब्रेड बना दिया मैंने फटाफट से, चाय भी दे दी है। अभी चिकन बनेगा तो देवो आएंगे लाएंगे तब बनेगा, तब तक मैं मसाला रेडी करती। दादा गए हैं नहाने तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। आई हेट दिस मुंडा, बट क्या कर सकते हैं। एंड भाजी भी मुझे साफ करनी है। भाजी मतलब साफ करना लाइफ का मुझे सबसे बेकार काम लगता है, लेकिन करना पड़ेगा। भाजी छाटना, एक एक पत्ता का निकाल। एक एक पत्ता निकलेगा उसका क्या बनेगा? भाजी का क्या बनता है? फ्राई। अच्छा फ्राई बनेगा, और क्या बनेगा? हमारा माँ की कच्चे मांचो धच्चे मांचो जन्ने माच माच धच्चे है मुझे बहुत ज्यादा थक गए। फाइनली दोनों भाई गए हैं रायगढ़। चिकन फिश एंड भाजी एंड ऑल करके तो मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर शाम को बनाऊंगी चिकन, अभी बनाऊंगी। तो पर भी देखो दोनों साथ में रहे। एंड ये रहे कुछ कोलकाता के स्वीट, ये मतलब अंदर रसगुल्ला है, ऊपर इसके बर्फी है, फिर ऊपर से ये जो कोटिंग है नारियल की, एक नंबर लगता है खाने में। दादा लेके आए हैं, गीला बाल में पूरा एकदम वो करके बाल वाल सूखेंगे। अब चिकन मैरिनेट कर दिया, आराम से बनाऊंगी। 11 बज रहा है तो अभी टाइम हो गया है अराउंड 1 बजने वाला है। एंड मैंने यहाँ चिकन लगभग कुक हो ही गया है, इधर राइस चढ़ा दिया है। तो पर भी उन लोग को आते आते मेरे ख्याल से 3 तो बजने वाला है। ऊपर भी कोई फिक्स नहीं है ना, अगर जल्दी टप गया एंड मेरा खाना नहीं बनना तो बेकार है। ऐसा अच्छा पहले बना दो, भले ही ठंडा होते रहे। एंड खाना बनाने का टाइम भी तो यही है भाई, 1 बज रहा है ना। मे बी शायद जल्दी आ जाए, नहीं बोल सकती मैं कुछ। तो यहाँ पर हो गया चिकन रेडी, भी हो गया। एंड मैंने थोड़ा सा आटा भी गूंथ लिया है, रोटी भी बना दूंगी चिकन के साथ। गर्म गर्म रोटी बड़ी अच्छी लगती है खाने में। तो बस सब बर्तन वगैरह धोंगी, कढ़ाई वढ़ाई खाली करूंगी। एंड इधर ब्लॉग देख रहे हैं, इसका वही काम, दिन भर फोन। तो अभी 2 से बहुत ज्यादा हो गया है, मैं सो गई थी थोड़ी देर, फ्लिपकार्ट का फोन आ गया। 2 जा रही हूँ हितिका के लिए रोटी बना देती हूँ, खाएगी वो। जब मम्मी रोटी बना रही है और यहाँ मैं खा रही हूँ, मतलब खा नहीं रही, खाऊंगी मेथी भाजी मांचू भात और रोटी। चलो टेस्ट कर। तो
तो 5 बज गया है, मैं वॉक पे निकल गए हैं। ये रहा मेरा नया ब्लूटूथ, मैंने यही वाला मंगाया है क्योंकि जो ईयरपॉड्स होते हैं ना, ईयरपॉड्स ऐसे कुछ बोलते हैं शायद, ईयरपॉड्स वो थोड़ा रखने में दिक्कत होती है, घूमने का मतलब ज़्यादा चांसेस रहते हैं उनके, इसीलिए मैंने इसे मंगाया है। एक गले में टंगा रहेगा, कहीं घूमेगा नहीं। डेबू के पास है लेकिन वो अपना वाला दे नहीं रहे हैं, बोले तुमको नया ला दूंगा। तो अच्छी बात है भाई, दो नया। हो गया है, इसकी आवाज़ ज़ोरदार है, निकाल के अगर मैं ऐसे रखे रहूँ यहाँ पे तो ऊपर भी ये भन भन कर रहा है पूरा। तो मैंने स्पेशली इसलिए मंगा था डेबू से कि शाम को जब वॉक करती हूँ ना मैं, तो मतलब अकेली पड़ जाती, थोड़ा गाना वाना सुनते रहूँगी तो मोबाइल हाथ में रखो तो उतना आवाज़ नहीं आता, गाना वाला फुल वॉल्यूम में थोड़ा ठीक लगता है इसीलिए। तो आज हम लोगों ने खाना खाया 4 बजे, ये लोग रायगढ़ से हैं, 4 बजे फिर सबने खाना खाया। हितिका तो पहले खा चुकी थी, दोनों भाई को अंदर दे दिया एंड फिर मैं किचन में बैठ के खा रही थी, एंड खा पी के 4:30 हो गया। फिर देखो चले गए शॉप एंड दादा सो रहे हैं क्योंकि वो बहुत थक गए थे, अर्ली मॉर्निंग मतलब उतरे हैं ट्रेन से तो उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो सो रहे हैं। मैं भी वॉक करने आई हूँ, वॉक करके जाके चाय वाय बना के दूंगी। कॉलोनी में छोटे छोटे कुत्ते के जो बच्चे हैं इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, चप्पल उठा उठा के भाग रहे हैं। मेरी 3 जोड़ी चप्पल है, हितिका की, देवू की एंड मेरी, एंड मिल नहीं रही है कहाँ। सीरियल टाइम एंड फिर रात को सब्जी वब्जी बनाना पड़ेगा, फिश विश। कैसे दिख रहा है बताओ, अभी कैसे दिख रहा है, अभी कैसे दिख रहा है। ओहो जी, तो यहाँ पे अपने जेठू के साथ खेलेगी हितिका कैरम। देखिए इधर जुगाड़ हो गया है, फिर मेरी इवनिंग टी एंड 7 बज गया है, तो अभी खाना वाना भी बनाना है बोलिए, एंड मैं तो नहीं खाने वाली हूँ, 4 बजे खाई हूँ, पेट एकदम फुल है एंड चावल रोटी दोनों था तो टोटली फुल है, चाय पी के थोड़ा फ्रेश लगने वाला है, तो दोनों भाई के लिए बना दूंगी, हितिका भी नहीं खाएगी बोल रहे खाना। एंड कल गुरु आ रहा है तो मुझे पूरा मतलब साफ करना है, देखिए तो वो एक्स्ट्रा काम हो जाता है, तो जल्दी बना के निपटाया जाए, एंड पता नहीं शूट कर पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। तो भी बना दूंगा फिश, दोनों भाई के लिए 6 फिश गोभी के साथ बनाऊंगी। पहले ये दाग नहीं उठा, इसको फिर कभी देखूंगा मैं। 8 बज गया मुझे, ये सब करते करते सारा काम हो गया। हितिका के जेठू एंड हितिका अभी भी कैरम ही खेल रहे हैं, 8 बज गया ना, 2 घंटे हो गए उनको खेलते खेलते। चलो मेरा काम भी हो गया, फुर्सत।